अभी से शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में खबरों के लिहाज से क्या कुछ खास और साथ ही साथ जो भी तमाम अपडेट और बड़ी खबरें हैं उन पर भी नजर डालें। देखिए सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे वीसी के माध्यम से पन्ना जिले की समीक्षा की है। इस समीक्षा में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का कितना लाभ आम जनता को मिल रहा है, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को अभी तक पन्ना जिले में मकान मिल चुके हैं, आवास मिल चुके हैं, उनको छत मिल चुकी है, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा की है। इसके साथ ही पन्ना जिले के विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए इसका विशेष तौर पे ध्यान रखने की बात मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कही है। इसके साथ ही क्राइम रेशो की पन्ना जिले में क्या स्थिति है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई है। इसके साथ ही अगर बारिश के मौसम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की है। वहीं अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, इसके साथ ही सवारी में भी शामिल होंगे और आज जो उज्जैन कॉरिडोर है उज्जैन कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बाबा महाकाल का उज्जैन कॉरिडोर बनाया गया है जल्द ही इसका शुभारंभ करना है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी जो है आज उज्जैन के दौरे पे रहेंगे, तो कह सकते हैं कि सावन के इस पवित्र माह में बेहद ही अहम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज उज्जैन का देखने को मिलेगा, जब वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद जब बाबा महाकाल दर्शन देने के लिए जनता का हालचाल जानने के लिए उज्जैन का भ्रमण करने निकलते हैं तो एक अलग ही नजारा होता है, एक अलग ही उत्साह होता है। जगह जगह जो है बाबा महाकाल का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। प्रोटोकॉल के तहत बाबा महाकाल पूरे उज्जैन शहर का भ्रमण करते हैं। तकरीबन 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें आतंकियों की, आतंकी संगठन से जुड़े हुए जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी कल मध्यप्रदेश से हुई है भोपाल और रायसेन से, तो अब इनके धीरे धीरे तार जो है मदरसों और मस्जिद से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर भी जो है मदरसे और मस्जिद के जो मौलवी हैं इनसे पूछताछ एनआईए की टीम और जो अधिकारियों की एटीएस अधिकारियों की टीम है वो कर सकती है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो उनको शिक्षा दी जा रही है, जो उनको तालीम दी जा रही है, उसी से संबंधित जो है यहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। हालांकि नोटिस देके अभी पूछताछ करने के बाद मौलवी को और जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि लगातार ऐसे संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारी एटीएस पुलिस और एनआईए की टीम करती हुई नजर आ रही है मध्यप्रदेश में। इसके पहले भी मार्च में तकरीबन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आने वाले समय में और भी लोगों की इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो सकती है।